गाइस वाटरफॉल यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी आ गए, इसका भी मन नहीं माना। देखिए आराम से हमारा स्कूटर वहाँ रखा है, हमारा कोई हेलमेट ना ले जाले। ये देखिए गाइस कितना अच्छा वाटरफॉल बना है यहाँ से। गाइस रेस्टोरेंट के पीछे ही नदी की एरिया देखिए, यहाँ से ऊपर पहाड़ का पानी आ रहा है। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम नदी की तरफ पे जाते हैं क्योंकि भर्ती को जाना है किसके पास, नदी या पहाड़। वैसे आप लोग नज़ारा देखिए, ये नीचे काडूराम से रोड आई है, हमारी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, हम स्कूटी में आए हैं और ये टूवर्ड्स नैनीताल जा रही है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं और भारती आज घूमने आए हुए हैं। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम भारती को घुमाने लाए हैं, या कहें कि भारती मुझे घुमाने लाई है। आज हम डेट पे लाए हैं। आज भारती मुझे डेट पे लाई है। पिछले बार मैं भारती को डेट पे ले गया था, आज भारती मुझे डेट पे लाई है। तो अभी हम लोग काटूराम से ऊपर टूवर्ड्स नैनीताल रोड में, काफ़ी आगे आ चुका है। इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना आगे आएंगे ना। लेकिन अच्छा लग रहा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी है। अभी सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमने पीछे एक दुकान में चाय ऑर्डर करी है, चाय पीते हैं, और भारती ने बन मक्खन ऑर्डर करा, उसे बन मक्खन अच्छा लगता है। पिछली बार वाला बन मक्खन भारती को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, तो उस दुकान में इस बार नहीं गए, दूसरी दुकान में आए। देखते हैं यहाँ पर कैसा बन मक्खन मिलता है भारती को। तो भारती को फिर से उसके शायद मन पसंद का मन मक्खन नहीं मिला है। ये हमारी आ गई है चाय। खा के देखो, पहले एक बार खा के तो देखो। उसको चाहिए था बिल्कुल फुला हुआ, हाँ, जैसे जनरली होता था, लेकिन जब गर्म करते हैं तो वो पिचक जाता है थोड़ा सा। उसको चाहिए खूब सारा मक्खन। चलो देखते हैं कैसा है। ठीक ही है। कैसा है भारती तुम्हारा बन मक्खन? ठीक ठाक है। दूध बहुत अच्छा वाला था, वो उम्मीद वो अभी मिल नहीं पाई है। चाय मिली है कुल्लड़ में, लेकिन चाय चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, मैंने बहुत कम बोली थी। अच्छी है चाय। तो पहाड़ में बैठे थे, चाय और बन मक्खन पकौड़ी खाने का मजा आता। अभी पकौड़ी ऑर्डर नहीं कर रही क्योंकि पकौड़ी सुबह सुबह हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अभी मन नहीं कर रहा है। गाइस रेस्टोरेंट के पीछे ही नदी की एरिया देखिए, यहाँ से ऊपर पहाड़ का पानी आ रहा है, और इसमें ये देखिए पीछे पूरा पहाड़ है। यहाँ पे ये इसको पानी आ रहा है, देखिए इसी पानी को यहाँ पे पिया भी जाता है, स्रोत का पानी कहते हैं इसको। तो गाइस चाय फिनिश कर दी है भारती ने, बन मक्खन भी खा लिया है, अब हम लोग आगे निकलते हैं। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, वहाँ से आगे आ गए हैं। चाय में मज़ा नहीं आया, लेकिन अब वादियों का मज़ा लेते हैं। बहुत मीठा हो गया, हाँ, बहुत ज़्यादा मीठी चाय बना दी। इतना बोला था उससे भाई कम चीनी डालना। कुल्हड़ में सजा के तो ऐसे लिया, लेकिन चाय मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार थी। कोई बात नहीं, आगे इंजॉय करते हैं। सो अभी हम लोग नीचे काटूधाम की तरफ को आ गए हैं, पर हमने अपनी वाली जगह में रोक लिया जहाँ पर अद्विक ने पीछे मस्ती करी थी। सो भाई सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, भीड़ नहीं होती है, और सुबह सुबह आने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं रोड में, आप ही आप आ रहे हो। एक दो गाड़ियाँ जा रही हैं जो कि अपने काम के लिए जा रही हैं, बाकी ऐसे टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं सुबह। और वैसे भी वीकडे है, मंडे को तो कौन दिखेगा, ट्यूसडे आज, सॉरी मंडे लग रहा है मुझे क्योंकि कल ऑफ था। सो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम नदी की तरफ पे जाते हैं क्योंकि भारती को जाना है किसके पास, नदी या पहाड़। नदी के पास जाना है, नदी के पास चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा हो रहा है, अब हल्के बहुत अच्छा लगता है पानी। पानी के पास जाते हैं, आगे बहुत पानी के झरने बने हुए हैं, क्योंकि पानी की वाली जगह में जाके आगे रोकते हैं। तो गाइज हम लोग एक वाटरफॉल के पास आए हैं, वो देखिए ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ भारती खड़ी है, पास जाके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर भारती बैठी है वाटरफॉल के पास, और यहाँ ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल। ये देखिए गाइज क्या मस्त वाटरफॉल बना है यहाँ पर। गाइज वाटरफॉल यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी आ गई, इसका भी मन नहीं माना। देखिए आराम से हमारा स्कूटर वहाँ रखा है, हमारा कोई हेलमेट ना ले जाले। ये देखिए गाइस कितना अच्छा वाटरफॉल बना है यहाँ से। तो गाइस ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, वाटरफॉल हम अपनी तरफ को खींच रहा है, लेकिन इतना ही रहता है, इससे आगे नहीं जाते हैं क्योंकि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसके पीछे वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है ना। फिर आएंगे हाँ, वाटरफॉल से मिलने फिर आएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए यहाँ से। तो गाइस यहाँ से देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल लग रहा है। हम लोग आगे चले गए थे, उधर वापिस आ गए हैं क्योंकि आगे जाने खतरा है। भारती कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मन तो वहीं पर जाने का कर रहा है, लेकिन रिस्की हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है, वाटरफॉल बार बार अपनी तरफ को बुला रहा है। याद करो, हाँ
भाई देखिए भारती कहाँ चढ़ गई है, ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाने की, हल्के हल्के करके मन विचलित होता जा रहा है और हम ऊपर को जाते जा रहे हैं। झरना हमारे बगल में है और हम लोग यहाँ पर चल गए हैं। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो या कुछ गड़बड़ हो, इससे कि हल्के हल्के वाटरफॉल ये पहाड़ हमें अपनी तरफ को बुला रहे हैं, हल्के हल्के ऊपर चढ़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, वरना ये डेट कुछ खतरनाक डेट बन जाएगी। इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।